नाबालिग किशोरी के साथ दुराचार करने वाला दूसरा आरोपी गिरफ्तार। जन जागरण जागरूकता साइकिल रैली का हुआ समापन। नवागढ़ टीआई सुनील शर्मा ने संभाली देवेंद्र नगर की कमान। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्र नगर को दूसरी बार मिला कायाकल्प अवार्ड। ग्राम पंचायत पटना कला में पानी की किल्लत। नाबालिग किशोरी के साथ दुराचार करने वाला दूसरा आरोपी गिरफ्तार। जिले के ब्रजपुर थाना अंतर्गत कुछ दिवस पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर ऊंचे ऊंचे सपने दिखाकर आरोपी दिल्ली भगा ले गए थे, जिसकी शिकायत तारीख 20/2/2019 को नाबालिग किशोरी के माता पिता द्वारा ब्रजपुर थाना में दर्ज कराई गयी थी। मुखबिर की सूचना पर पहला आरोपी राम भजन गौड़ पिता शारदा गौड़ को 26/2/2019 को पूर्व में गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज चुकी है। वह दुराचार का दूसरा आरोपी बिज्जू राजकुमार गौड़ पिता भूरा गौड़ उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम जमुनाई थाना ब्रजपुर को बस स्टैंड से गिरफ्तार करते हुए अपराधी जेल भेजा गया है। जन जागरण जागरूकता साइकिल रैली का हुआ समापन। 19 फरवरी से जारी जन जागरण जागरूकता साइकिल रैली, जिसका उद्देश्य जनमानस को जागरूक करना, जिसके द्वारा लोगों को स्वच्छ पर्यावरण संरक्षण, वन्य प्राणी संरक्षण एवं साइकिल चलाएं स्वस्थ रहें को लेकर साइकिल रैली का आयोजन आज नेकी की दीवार से शुरू होकर रेस्ट हाउस तहसील कार्यालय अम्बेडकर पार्क गांधी चौक होते हुए पुनः बस स्टैंड पहुंचा, जहां पर नेकी की दीवार संचालित है पर साइकिल रैली का समापन किया गया। समापन में सदानंद पाठक अध्यापक जो कि नेकी की दीवार के संचालक ने कहा कि नेकी की दीवार संचालित रहेगी और अब साइकिल रैली का समापन किया जाता है। आज के कार्यक्रम में हरिकेश बड़ोरिया, विवेक सिंह, राजेश पाठक, प्रहलाद बेरे, सत्यम पाठक, अभिषेक पांडे और 2 दर्जन से भी ज्यादा इस रैली में लोगों ने भाग लिया। नवागढ़ टीआई सुनील शर्मा ने संभाली देवेंद्रनगर की कमान। पुलिस थाना देवेंद्रनगर में नगर निरीक्षक की जगह पिछले 2 माह से रिक्त थी। आगामी त्योहार एवं लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक पन्ना अनिल सिंह कुशवाहा ने तत्काल प्रभाव से देवेंद्रनगर थाना में तेज तर्रार थाना प्रभारी के रूप में कोलार थाना भोपाल से स्थानांतरित होकर आए सुशील शर्मा को नगर निरीक्षक देवेंद्रनगर बनाया गया। आपके द्वारा देवेंद्रनगर थाना में आज इंचार्ज लिया गया है, आपकी देवेंद्रनगर थाने के लिए क्या पहली प्राथमिकता रहेगी? देवेंद्रनगर थाने में आज ज्वाइन किया है, पहली प्राथमिकता बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव आ रहा है, चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं हम लोग और जो अपराधी हैं उनके साथ कठोर कार्रवाई की जाएगी, जो जितना मदद जनता के साथ में अच्छा व्यवहार है वो किया जाएगा, जो भी समस्या है उसको समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। देवेंद्रनगर में देखा गया कि कई गाँव में अवैध शराब बिक रही है, इसमें आप क्या करेंगे? आज ज्वाइन किया है, इस संबंध में इन्फॉर्मर तैयार करेंगे, टीम बनाएंगे और अति शीघ्र शराब की कार्रवाई करेंगे, पकड़ेंगे। लगातार देवेंद्रनगर में ग्राम रक्षा समिति जो सक्रिय थी, आने वाले समय अभी निष्क्रिय हो चुकी है, इसमें आप क्या करेंगे? नगर रक्षा समिति के कैप्टन और सभी मेंबरों को बुला के नई तरीके से एक्टिवेट करेंगे, नगर रक्षा समिति का सहयोग लेंगे पुलिस के साथ। नगर की ट्रैफिक के प्रति आपका क्या रुझान रहेगा? ये क्या है, हमारे पास फोर्स की भी बहुत सारी कमी है और संबंध में भी ट्रैफिक के संबंध में भी पूरी जायजा लेके जितना अच्छा से अच्छा ट्रैफिक के लिए हो सकता है उतना अच्छा व्यवस्था लगाई जाए। आपका शुक्रिया। सुनील शर्मा, निरीक्षक। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्रनगर को लगातार स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कायाकल्प अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार संस्था को लगातार दूसरी बार मिल रहा है। खंड जिला चिकित्सालय
खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक जैन द्वारा बताया गया कि दिसंबर माह में प्रदेश की टीम के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवीनगर का निरीक्षण किया गया, जिसमें अस्पताल की साफ सफाई, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एवं पैरामेडिकल स्टाफ का इंटरव्यू, पब्लिक के साथ व्यवहार, ट्रेनिंग, डॉक्यूमेशन इत्यादि आधार पर निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान के आधार पर कायाकल्प अवार्ड के साथ 2 लाख की राशि की घोषणा की गई। इस पुरस्कार मिलने से समस्त कर्मचारियों का उत्साह मनोबल बढ़ा है। सीएचसी देवेंद्रनगर की इस उपलब्धि को नगर वासियों एवं पत्रकारों द्वारा स्वास्थ्य विभाग की मेहनत व कार्यों को बताकर बधाइयां दे रहे हैं। ग्राम पंचायत पटना कला में पानी की किल्लत, पानी की किल्लत से ग्राम पटना कला के लोग परेशान है। यह नल जल योजनाएं बंद पड़ी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार गाँव में पानी की सुविधाएं हेतु नल जल योजनाएं दे रही है, लेकिन इनका संचालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। कई गांव में नल जल योजना या तो बंद पड़ी है या तो चल भी रही है तो टूटी फूटी पाइप लाइनों के सहारे। नौर की पटना कला ग्राम पंचायत का, जहां पर नल जल योजना चल तो रही है लेकिन मरम्मत के अभाव में कई जगह लाइन चोक हो गई, जिससे पानी का निरंतर प्रवाह नहीं हो पाता। वहीं गांव के कई हैंडपंप भी कचरे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। पूर्व विधायक ने ग्रामीणों के लिए विधायक निधि से टैंकर प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए दिए थे, लेकिन उन टैंकरों का उपयोग भी जिम्मेदार अपने निजी कार्यों में और अतिरिक्त आय के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पानी की बहुत परेशानी है, टंकी की लाइन खराब है, नियमित पानी नहीं मिल पाता। वहीं हैंडपंप भी तो आधे से ज्यादा हैंडपंप तो खराब हो गए हैं। वहीं जब इस संबंध में जिम्मेदारों से बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले में सफाई देकर पल्ला झाड़ लिया। वहीं जब जनपद पंचायत सीईओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को सूचित कर कार्य दुरुस्त किया जाएगा। गुनौर से बलराम व्यास की रिपोर्ट। पन्ना में एक्सीडेंट थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज किशोर जी मंदिर चौराहे पर बेकाबू अल्टो कार ने 18 वर्षीय युवती को कुचल दिया। युवती की हालत गंभीर है, जिला चिकित्सालय में भर्ती है। मौके पर पुलिस बल पहुंच चुका था मगर लोगों में आक्रोश देखा गया। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी जन भागीदारी से निर्मित दुकान, सरकारी संपत्ति कचरे के ढेर में तब्दील, जन भागीदारी दुकानों में दबंगों का कब्जा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्वच्छ भारत की कई योजनाएं चलाकर वाहवाही लूट रही है। वहीं जब शासन की संपत्ति ही कचरे के ढेर में तब्दील हो तो स्वच्छ भारत योजना का लाभ आम जन तक कैसे पहुँचता है। जिस जगह की बात कर रहे हैं वो गुनौर तहसील के अंतर्गत बनी जन भागीदारी से निर्मित दुकानों का। लगभग 2004 में जन भागीदारी से दुकानों का निर्माण हुआ था, जिसमें दुकानों के निर्माण के बाद इन दुकानदारों को दुकान का मालिक और किराया देकर राजस्व में जमा कराने की शर्त पर दुकानों का निर्माण हुआ था। जन भागीदारी के निर्मित दुकानों में समिति के अध्यक्ष खुद एसडीएम महोदय को बनाया गया था। 200 दुकानों का निर्माण तो हो गया, लेकिन दुकानों के कागज के नाम पर दुकानदारों को कोई आदेश नहीं दिया गया। इसमें ये है कि यहाँ तो कोई दुकानें बन के अलाट हो गई हैं, बाकी जनभागीदारी सुधरी थी तो इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है। और ये इन दुकानों में ना तो बिजली के बिल मीटर लगे हुए हैं, असुविधा बहुत ज़्यादा है और कोई भी यहाँ देखने के लिए नहीं आता। जो दुकानें बनी हैं हर दुकान चू रही है, ये विधि पूर्वक नहीं काम हुआ है, इससे पब्लिक संतुष्ट नहीं है। और पानी की सुविधा भी नहीं हो, गंदगी आपके सामने पड़ी हुई है, जो याति प्रतीक्षालय में गंदगी पड़ी है। यहाँ पर कोई झाड़ू पोछा जो भी है कुछ नहीं हो रहा है और ना सरपंच तैयार है सुनने के लिए। सरपंच पास जांच शिकायत करने के लिए तो वो कहते हैं जन भागीदारी से बनी हुई है और ये एसडीएम के अंडरफेयर में है, तो उन्हीं से जाके बात करिए, हम कुछ कहने वाले नहीं, कुछ करने वाले नहीं। अच्छा, इसके लिए सफाई अभियान के लिए हमारे पास कोई फंड नहीं आता है,
और ना हम करवा पाएंगे। इनका किराया वगैरह या किराया वगैरह इनका कोई नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा है और कोई सुविधा भी नहीं हो रही है किसी भी प्रकार की, कोई किराया जान पंचायत यहाँ आती ही नहीं है या तहसीलदार या TMG कोई भी यहाँ पे अधिकारी नहीं आते हैं और ना दुकानों की कोई गौर है और ना बस स्टैंड की कोई गौर है। ताकि यहाँ असुविधा इतनी ज़्यादा है, सबसे पहली तो बिजली की असुविधा है, सफाई की असुविधा है और पानी की असुविधा है। हम लोग पानी 5 रुपये डिब्बा खरीद के पब्लिक को पिलाते हैं पानी जो यात्री यहाँ पे आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामाधान नामदेव है, मूल निवासी गुनौर, जिला पन्ना। आज तक सभी दुकानदारों का पैसा जमा हो चुका है और आज तक किसी दुकानदार को कोई पट्टा नहीं दिया गया है। एक बार SDM साहब ने बुलाया था कि आप किराया दो और हम पट्टा दे रहे हैं, फिर वो किराया भी खा गए और आज तक कोई पट्टा नहीं मिला। कई बार जन भागीदारी समिति के लोग गए, यहाँ के व्यापारी सदस्य गए, अध्यक्ष गए। मासिक किराया वगैरह किस तरीके? मासिक किराया 200 रुपया है इसका, लेकिन हम लोगों की शर्त ये थी जब ये दुकानें बटी कि आप जब हमको इसका भूमि स्वामी बनाओगे, इसका वो बनाओगे, मालिक बनाओगे, उसी दिन से आपका किराया लागू हो जाएगा। ना आज तक इन्होंने हमको भूमि स्वामी बनाया, ना हम लोगों ने आज तक किराया दिया। आज अगर वो हमको इसका मालकाना हक दे दें, आज से हम किराया देना चालू कर दें। ये गंदगी जो फैली हुई है, इसको अगर जिस दिन से हम लोगों को उसको वो मिल जाएगा अधिकार पत्र दुकानों का, तो यहाँ से जो कचरा जी डला है, एक भी कचरा नहीं डलेगा। और इसके साथ जो टाउन हॉल जी बनना है, ये टाउन हॉल अधूरा पड़ा है बनने के लिए, इसका जो भी पैसा जमा हो SDM साहब के पास या ग्राम पंचायत में, वो सब पैसा से यहाँ से बाउंड्री होना है। यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, अंधेरे में सभी दुकानदार परेशान रहते हैं और यहाँ बस स्टैंड में रात में खूब दारू खोर बैठते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। दुकानदारों के उसमें तो नीलामी तो हुई है, 120 दुकानदारों को नीलाम हुई है, विधिवत नीलामी की प्रक्रिया पूरी करके उनको दुकानें आवंटित की गई। ये गंदगी अगर है ऐसा तो हम ग्राम पंचायत सरपंच सचिव से बात करके उसको गंदगी वगैरह साफ कराने के लिए व्यवस्था करवाएंगे। ये काम ग्राम पंचायत का है। मैं इस बारे में सरपंच सचिव से बात करके और सफाई की व्यवस्था के बारे में चर्चा करूंगा और उसका निदान करने